हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह फ्रॉम एसकेएल क्लासरूम एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट पर आज हम आप लोगों के साथ हैं डिस्कस करने के लिए। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं उनको देखेंगे। हम इसके मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, इसके समरी पर भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी देखेंगे, न्यू वर्ड्स और फ्रेजेज हैं जो लास्ट में ये दे रखे हैं ये एक बार इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम जब इसके फर्स्ट पार्ट में बातें कर रहे थे उसमें हमने देखा कि नेल्सन मंडेला की अपनी ये बायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमने ये देखा कि 10th ऑफ मई 1994 को जिस दिन साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ उस दिन वहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त एक समारोह हुआ, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, प्रिटोरिया में हुआ, यूनियंस बिल्डिंग एमपी थिएटर के अंदर हुआ। उस प्रोग्राम को का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था और उस प्रोग्राम के दौरान नेल्सन मंडेला की फीलिंग्स क्या थी वो चीज़ें हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा। हमने ये भी देखा उस पार्ट के अंदर नेल्सन मंडेला ने बताया कि उस वक्त जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी थे, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे, जो कल तक नेल्सन मंडेला को एक कल्प्रिट समझते थे, एक अपराधी समझते थे, आज वो आकर के उनको सैल्यूट कर रहे थे और वो सैल्यूट नेल्सन मंडेला को नहीं था बल्कि एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल सरकार को सैल्यूट था। उन्होंने अपनी वफादारी अब की प्रजातांत्रिक सरकार को के प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी। चलिए चलते चलते लास्ट में नेल्सन मंडेला ने हमें बताया कोरेज क्या होता है। उन्होंने बताया कोरेज किसे कहते हैं, बताया कि कोरेज डजंट मीन अब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रंप ओवर इट। कोरेज का मतलब ये नहीं है कि आप में डर नहीं है, नहीं, बल्कि डर पर विजय हासिल करना ही कोरेज कहलाता है। उसी को आगे बढ़ते उन्होंने बताया हु इज ए ब्रेव मैन, हु इज ब्रेव, ब्रेव कौन होता है। उन्होंने यही चीज फिर रिपीट की, ब्रेव इज नॉट हु डजंट हैव फियर बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर। ब्रेव इज नॉट हु डज नॉट हैव फियर बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर। बहादुर वो नहीं जिसके दिल में डर नहीं बल्कि वो जो उस डर के ऊपर विजय हासिल करता है वो बहादुर है, ये नेल्सन मंडेला हमें बता रहे थे। इतिहास इसके बारे में काफी कुछ हम कल डिस्कस कर चुके हैं, आज तो हम केवल और केवल पॉइंट्स पर ही बात करेंगे। इन सब चीजों के बाद नेल्सन मंडेला अब बताते हैं अपने लाइफ के बारे में बताते हैं और वो ये बताते हैं इस पार्ट के अंदर कि हाउ ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वो इस पार्ट के अंदर बताते हैं कि किस तरह से वो कानून से डरने वाले व्यक्ति एक आंदोलनकारी कैसे बन गए, वो चीजें इस पोर्शन के अंदर वो बता रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। नेल्सन मंडेला हमें आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर वो बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की एवरी पर्सन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस इन हिज लाइफ। हर व्यक्ति के अपने जीवन के अंदर दो ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब है स्टूडेंट्स यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज। हर व्यक्ति की दो ड्यूटीज होती हैं। फर्स्ट ड्यूटी इज टुवार्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड वाइफ। पहली ड्यूटी, पहली ऑब्लिगेशन, पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपने परिवार के प्रति है, परिवार के अंदर परिवार, मम्मी पापा, बच्चे और बीबी है। एंड द सेकंड ऑब्लिगेशन इज अबाउट हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। तो दूसरी ऑब्लिगेशन है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो है अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में और अपनी कम्युनिटी के बारे के अंदर बताया गया। एज ए होल आप इसको ये बता सकते हो कि पहली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज अबाउट फैमिली एंड द सेकंड अबाउट कंट्री। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो दो ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं हर एक व्यक्ति के लिए हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एवरी पर्सन कैन एंजॉय अकॉर्डिंग टू हिज और हर डिजायर। हर जगह जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, एक सिविल सोसाइटी है, उनके अंदर सब लोग अपने अपने तरीके से इन दोनों ऑब्लिगेशंस को एंजॉय करते हैं। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल इन साउथ अफ्रीका स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ ब्लैक स्किन। लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर ये ट्विन ऑब्लिगेशंस वो काली चमड़े वाले व्यक्तियों के लिए नहीं हो सकती थी। जिन जिन्होंने इनको एंजॉय करने की कोशिश की देवर पुश्ड एंड देवर पुट बिहाइंड द बार्स, देवर आइसोलेटेड। जिन जिन लोगों ने कोशिश की कि वो इन अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को पूरा करें उन व्यक्तियों को सजा दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया और उनको एकांतवास में डाल दिया गया। ऐसा
नेल्सन मंडेला बताते हैं उनके साथ ऐसा ही हुआ है। हम कल बात कर रहे थे कि नेल्सन मंडेला 30 साल तक 30 ईयर्स तक लगभग जेल के अंदर रहे थे और उनको किस किस प्रकार का टॉर्चर किया गया वहां पर, वो सब चीजें भी हमने कल डिस्कस की थी। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ही वाज नॉट बोर्न विद ए हैंगर ऑफ फ्रीडम। कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं बच्चा था, उस वक्त मैं कोई हैंगर ऑफ फ्रीडम के साथ पैदा नहीं हुआ था। जब मैं बच्चा था, एट दैट टाइम आई डिडंट नो व्हाट ए फ्रीडम इज, उसका मीनिंग क्या होता है फ्रीडम का, मुझे नहीं पता था। उस वक्त मुझे फ्रीडम का मतलब केवल इतना ही जानता था, मैं जानता था कि आई कुड रन फ्रीली इन टू द फील्ड्स, आई कुड स्विम इन टू द रिवर फ्रीली, आई कुड राइड ऑन द बैक ऑफ अ बुल्स, आई कुड रन इन टू फील्ड्स एज वेल एज इन टू विलेजेस। मैं गांव में घूम सकता था, दौड़ सकता था, नदी में तैर सकता था, बैल की पीठ पर बैठ करके राइड कर सकता था। ये सब चीजें उसके अनुसार आजादी थी, इन सब चीजों को वो आजादी समझता था। लेकिन फिर बताता है कि एज आई ग्रीव अप एंड आई बिकेम ए बॉय, और जब मैं बड़ा हुआ और एक बॉयहुड की फीलिंग्स मेरे अंदर आई, देन आई रियलाइज्ड दैट दिस फ्रीडम टू हुम आई कॉल फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, वो एक इल्यूजन था। इल्यूजन का मतलब होता फॉल्स, झूठा, झूठ, और जो सच्चाई से बहुत दूर हो। जिसको मैं आजादी समझ रहा था वो आजादी नहीं थी, वो केवल मेरा एक भ्रम था आजादी का। और परेशान होकर के इन्होंने लास्ट में आकर के इन्होंने क्या किया, ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। मैं चाहूंगा कि अब जो पंक्तियां आ रही हैं इस टेक्स्ट की, मैं चाहूंगा कि वो हम लाइन टू लाइन उन पर डिस्कस करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन अब यहां से चलेगा। इससे पहले हमें इतना पता लगा है कि नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि टू ऑब्लिगेशन है, ट्विन ऑब्लिगेशन है, फर्स्ट ऑब्लिगेशन अबाउट फैमिली, द सेकंड अबाउट द कंट्री। ही सेज दैट ही वाज बोर्न फ्री, बट लेटर ऑन ही रियलाइज दैट दिस फ्रीडम वाज फुल ऑफ इल्यूजन, इट वाज नॉट रियल बट इट वाज फॉल्स। तो वो हम देखते हैं आगे। अब हम टेक्स्ट को लेते हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोगों से भी कि आप अपनी बुक खोलिए और ये इसका पेज नंबर, ये पेज नंबर है 22 और ये लास्ट पैराग्राफ पर आप आ जाइए, हम यहां बात करेंगे। बट देन आई स्लोली saw दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई saw दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ everyone who looked like I did। नेल्सन मंडेला बताते हैं, बट देन आई स्लोली saw दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। कहते हैं कि धीरे धीरे मुझे पता लगा कि यह मैं अकेला नहीं था जो साउथ अफ्रीका के अंदर आजाद नहीं था। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे जितने भी भाई और बहन थे वहां पर, दे वर ऑल्सो नॉट फ्री। अब यहां आपसे बच्चों क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, हु आर हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपको मैं पर्टिकुलरली बता दू टू हुम ही इज कॉलिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ही इज कॉलिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू ऑल पीपल ऑफ ब्लैक स्किन, वो सारे के सारे लोग जिनकी चमड़ी काली थी, या ये कहिए जितने भी ब्लैक्स थे साउथ अफ्रीका के, दे ऑल आर हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. अब ये बताते हैं कि मैंने वहां पर देखा, it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed का मतलब होता है to cut short. ये केवल मेरी आजादी नहीं थी जिसको काट दिया गया था, या ये कहिए अकेला मैं ही नहीं था जिसकी आजादी को छीन लिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन प्रत्येक उस व्यक्ति की आजादी को छीन लिया गया था जो मेरी तरह का कार्य कर रहा था। अब ये क्या कार्य कर रहे थे, ही वाज फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपने लोगों के अधिकारों के लिए ये लड़ रहे थे। तो जो भी व्यक्ति अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उन सबको जो व्हाइट्स की सरकार थी वो उन सबको कल्प्रिट मानती थी और उन सबको पकड़ पकड़ करके जेल में डाल रही थी। यस, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब जाकर के मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। तो अब आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन डिड ही ज्वाइन नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आपने बताया व्हेन ही फाउंड दैट ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल were not given liberty, they were not given freedom, at that time he joined African National Congress. Yes, and that
is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तब से मेरी अपनी इंडिविजुअल आज़ादी से पढ़ करके मेरे लोगों की आज़ादी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, वो ज़्यादा महत्व रखने लगी. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. यस, इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. मेरी जो इच्छा थी कि मेरे लोगों को आज़ादी मिले और दे शुड लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, कि उनका जो जीवन हो वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट और जीव और देयर लाइफ शुड बी फुल ऑफ ऑनर. डिग्निटी मीन्स ऑनर, उनका जीवन सम्मान से और सेल्फ रेस्पेक्ट से भरा हुआ हो. ये विचार ही मुझे एनिमेटेड माई लाइफ. एनिमेट का मतलब होता है टू गिव एनर्जी, मेरे जीवन को एनर्जी दे रहा था. मैं चाह रहा था कि मेरे लोगों को एक सम्मानजनक जीवन मिले, उनका आत्मसम्मान हो, और ये विचार आते थे तभी मेरे जीवन के अंदर एनर्जी मिलती थी, ताकत मिलती थी. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन. और इसी भावना ने एक डरपोक व्यक्ति को बोल्ड बना दिया. हु वाज द डरपोक व्यक्ति, हु वाज फ्राइटेंड पर्सन? नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ. ये अपने लिए खुद के लिए बता रहा है कि मैं बड़ा डरपोक व्यक्ति था, लेकिन जब ये भावना कि मेरे देश के काले लोगों को, ब्लैक्स को एक सम्मान मिले, उतना ही सम्मान मिले जितना व्हाइट्स को मिल रहा है, उनका ही सेल्फ रेस्पेक्ट मिले जितना व्हाइट्स को मिल रहा है, इसने मुझे मेरे जीवन में एनर्जी दी, ताकत दी, और मैं एक डरपोक व्यक्ति जो था वो बहादुर बोल्ड बन गया. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. Yes, इस भावना ने ही law-abiding attorney, attorney का मतलब होता है बच्चों lawyer, वकील, एक law-abiding कानून का पालन करने वाला एक वकील क्या बन गया था? Criminal, अपराधी बन गया था. नेक्स्ट, ये अपने लिए बता रहा सब चीज़ें. दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम. मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने फैमिली लविंग हस्बैंड, अपने परिवार को प्यार करने वाला ओनर था मैं, और मैं किसमें कन्वर्ट हो गया? विदाउट ए होम, एक होमलेस वांडरर की तरह से हो गया था. परिवार से प्यार करने वाला व्यक्ति बेघर हो गया था. दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क. और इस विचार ने ही मुझे लाइफ लविंग मैन को, जो जीवन से प्यार करने वाला व्यक्ति था, उसको एक भिक्षु बना दिया था, जो इधर से उधर और उधर से इधर घूमता रहता था, परिवार को जिसने छोड़ दिया था. तो ये सब चीज़ें किस भावना ने किया? ताकि मेरे देश के लोगों को, सबको आत्मसम्मान मिले और एक जीवन आदर से भरा हुआ मिले, जैसा जीवन व्हाइट्स चाह रहे हैं, जैसा जीवन व्हाइट्स एंजॉय कर रहे हैं, वैसा ही जीवन और वैसा ही सम्मान मेरे देश के ब्लैक्स को भी मिले. ये भावना नेल्सन मंडेला की थी, और इस भावना को ही उन्होंने जब अपने अंदर समावेश किया, अपने अंदर डाला, तब जाकर के वो एक कायर व्यक्ति से बहादुर बन गए, वो एक कानून के जानकार से वो क्रिमिनल बन गए, और परिवार से प्यार करने वाला व्यक्ति एक मॉन्क बन गया, भिक्षु बन गया. I am no more virtuous of self or self-sacrificing than the next man. अब ये बताते हैं, कहते कि मैं भी एक ordinary person ही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि कोई जो दूसरा व्यक्ति है, मैं उससे ज़्यादा गुणवान हूँ, या फिर मैंने उससे ज़्यादा बलिदान दे रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू My people were not free. लेकिन एक बात स्पष्ट है, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom. लेकिन मैंने पाया कि मैं ये limited, थोड़ी सी और बहुत ही कमज़ोर आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता था. I was allowed when I knew my people were not free. जब मुझे ये कहा गया कि आप इन इन चीज़ों को, इन इन अधिकारों का एंजॉय कर सकते हो, और जब मुझे ये पता लगा कि मेरे देश के बाकी लोगों की आज़ादी छीन ली गई है, तब कहते हैं कि वो लिमिटेड जो मुझे आज़ादी मिली हुई थी वो मैंने स्वीकार नहीं की. फ्रीडम इज इंडिविजिबल. इंडिविजिबल मीन्स बच्चों समथिंग टू विच यू कैन नॉट डिवाइड, कोई ऐसी चीज़ जिसको तुम डिवाइड ना कर सको, बांट ना सको, आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता. द चेंज On any one of my people were the chains on all of them. मेरे देश के किसी भी व्यक्ति को अगर जंजीरें डाली गई थी, हथकड़ियाँ डाली गई थी, या ये कहिए कि अगर मेरे देश के किसी भी व्यक्ति की आज़ादी छीनी गई थी, तो इसका मतलब है
प्रत्येक साउथ अफ्रीका के व्यक्ति की आजादी छीनी गई थी। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, और अगर मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति की आजादी छीन ली गई थी तो फिर ये मेरी भी आजादी छीन ली गई थी। इसलिए बाकी लोगों की आजादी को छीन करके अगर वो सरकार, व्हाइट्स की सरकार, मुझे कुछ आजादी या मुझे कुछ अधिकार देना पसंद कर रही थी, मैंने इन चीजों को अलाउ नहीं किया और मैंने उनके अधिकारों को लेने से मना कर दिया। वो जो मुझे थोड़ी बहुत आजादी दे रहे थे वो लेने से मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे देश के प्रत्येक व्यक्ति की आजादी ही मेरी आजादी थी। आई न्यू दैट, अब ये एक और नया आइडिया दे रहे हैं, आइए, बहुत अच्छा आइडिया है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज Surely as the oppressed. अब ये स्टूडेंट्स यहां पर दो कैटेगरीज बता रहे हैं, वन आर oppressors एंड द सेकेंड आर oppressed. Oppressor कौन है? शोषण करने वाले। ऑप्रेस्ड कौन है? जिनका शोषण हो रहा है, यानी कि एक शिकार और एक शिकारी और दूसरा शिकार। अब यहां पर ऑप्रेसर कौन थे साउथ अफ्रीका के अंदर? व्हाइट्स वर द ऑप्रेसर्स, दे वर बिहेविंग क्रुअली दीज ब्लैक्स। वो इन बेचारे ब्लैक्स के ऊपर बड़े अत्याचार कर रहे थे, ब्लैक्स को बहुत टॉर्चर कर रहे थे, उनके साथ इनह्यूमैनिटी दिखा रहे थे वो लोग, उन ब्लैक्स को सेकंड रैंक सिटीजन समझ रहे थे वो लोग। तो कहते हैं, ये कहते हैं कि ऑप्रेसर्स जो शोषण करने वाले हैं वो भी चेंज के अंदर हैं एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, और जिनका शोषण किया जा रहा था वो तो पहले ही बेचारे जेल जैसे हैं, उनकी तो आजादी पहले ही छीनी हुई है। तो यहां नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैं जानता हूं कि जो शोषण करने वाले हैं वो उतने ही ज्यादा उनको भी आजाद करने की उतनी आवश्यकता है जितनी कि जिनका शोषण हुआ है उनको। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। वो व्यक्ति जो किसी दूसरे की आजादी को छीनता है, वो कौन व्यक्ति है जो दूसरे की आजादी को छीन रहे थे? यहां पर व्हाइट्स थे, कि एक व्यक्ति जो दूसरे की आजादी को छीनता है वो भी किसका प्रिजनर है? हेटर्ड का, हेटर्ड नफरत का प्रिजनर है, उसके दिलो दिमाग में नफरत ही नफरत भरी रहती है और वो एक तरह से उसका कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर हमेशा प्रेजुडाइस मीन्स ईर्ष्या, नैरो माइंडेडनेस मीन्स बड़े संकीर्ण विचारों से वो भरा रहता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स इन फ्रीडम, Someone else freedom. मैं कभी आजाद नहीं हो सकता अगर मैंने किसी और की आजादी को छीन रखा है। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी और ने मेरी आजादी को छीन ली है, मैं किसी की आजादी को छीन करके बिल्कुल उसी तरह से आजाद नहीं हो सकता जैसे कोई मेरी आजादी छीनता है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Oppressed शोषण, शोषण करने वाला और जो शोषित व्यक्ति है वो दोनों के दोनों ही मानवता के द्वारा ठगे हुए हैं। वो देयर ह्यूमैनिटी, उन दोनों को ही मानवता के माध्यम, दोनों ही मानवता से ठगे हुए हैं, यानी दोनों में ही मानवता नाम की चीज नहीं होती, इसलिए उन दोनों को ही आजाद करने की जरूरत है। इस तरह से ये चैप्टर बच्चों हमारा यहां पर फिनिश होता है और नेल्सन मंडेला ने अपनी बायोग्राफी के अंदर इन सब चीजों को मेंशन किया है, क्योंकि आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि ये नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी और उसमें से एक टॉपिक लिया गया है आप 10th क्लास के बच्चों के लिए। अब स्टूडेंट्स आइए हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा किसके ऊपर, ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या है। अब यहां हम डिस्कस तो यहां पर भी कर चुके हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस हमने डिस्कस किया कि ट्विन ऑब्लिगेशन, नेल्सन मंडेला सेज दैट एवरी पर्सन इज गिवन टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज। The first responsibility is about his family and the second responsibility is about his country. अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो उसके अंदर क्लियर बता रखा है कि there are two twin obligations. The first is about his family, parents, children and wife, and the second obligation is about his people, his community and country. आप अगर इसको शॉर्ट में दो तो आप इतना ही बता दीजिए, there are two obligations, one for family and the second for नेशन, राष्ट्र के लिए, एक अपने परिवार के लिए तो दूसरा अपने राष्ट्र के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है, प्रत्येक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इल्यूजन क्या है यहां पे? इल्यूजन, इल्यूजन यहां ये पता लगा, यहां पर भी वर्ड आया होगा इल्यूजन। नेल्सन मंडेला को पता लगा कि उनको जो आजादी मिली है वो केवल और केवल एक भ्रम है। यहां स्टूडेंट्स आपको एक मुझे बताना पड़ेगा कि नेल्सन मंडेला व्हेन ही वाज ए चाइल्ड ही थॉट व्हाट लिबर्टी इज, व्हाट
फ्रीडम मीन से, तो उसके लिए जब वो बच्चा है तब उसके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? खेत में दौड़ना, टू रन इन टू द फील्ड्स, टू रन इन टू हिज विलेज, टू हैविंग बाथ इन रिवर एंड हैविंग ए राइड ऑन द बैक ऑफ बुल्स, ये उसके लिए आजादी है। खेतों में भागना, नदी में नहाना, गांव में भागना और बैल की पीठ के ऊपर राइड करना, ये उसके अनुसार फ्रीडम है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ, व्हेन ही बिकेम ए स्टूडेंट, तब उसका मीनिंग चेंज हो गया फ्रीडम का। अब वो क्या समझने लगे? टू रीड अकॉर्डिंग टू माई डिजायर, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं पढ़ूँ। सेकेंड, टू गो वेयर एवर आई लाइक, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मैं चला जाऊँ, ये मुझे आज़ादी चाहिए। एंड द थर्ड, टू स्टे एट नाइट वेयर आई लाइक, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रात को रुकूँ, ये उसकी बॉयहुड की आज़ादी है, ये उसके बॉयहुड की आज़ादी है। तो यहाँ पर देखिए उसके ना आज़ादी के अंदर भी फर्क आ रहा है। जब वो बच्चा है तब उसको कैसी आज़ादी चाहिए, और जब वो बॉयहुड और वो स्टूडेंट है तब उसको कैसी आज़ादी चाहिए। यहाँ आकर के उसको महसूस हुआ कि आज़ादी, जिसको मैं आज़ादी पुकार रहा हूँ, दैट इज नॉट रियल फ्रीडम, वो फ्रीडम है नहीं, दैट इज ओनली एन इल्यूजन, वो एक भ्रम है, इट इज आर्टिफिशियल आज़ादी, आर्टिफिशियल फ्रीडम, ये सच्चाई नहीं है, वो इल्यूजन है यहाँ पर। नेक्स्ट, मे एंड ऑटम डे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में से आया है कि हमें पता है कि ये सेरेमनी कब चल रही, वहां पर 10th मे को हो रहा है, तो वहां बताया गया इट वॉज एन ऑटम डे, 10th मे इट वॉज एन ऑटम डे। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ इंडिया में तो मे के अंदर ऑटम नहीं होता, हमारे यहाँ तो लगभग लगभग स्प्रिंग सीजन का एंड होता है, तो फिर यहाँ पर ऑटम क्यों है? ये आप लोगों को थोड़ा सा ज्योग्राफिकल सिस्टम से चलना पड़ेगा। वहां वो अर्थ का बिल्कुल साउथ कॉर्नर है, और आप ये कहिए कि वो अर्थ का बिल्कुल एंड है, साउथ के अंदर, साउथ हेमिस्फायर आप उसको पुकार सकते हैं, वहां पर मे के अंदर ऑटम सीजन होता है, बल्कि हम जो नॉर्थ के अंदर रह रहे हैं, हमारे यहां पर इन दिनों के अंदर लगभग स्प्रिंग सीजन होता है। तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इंडिया का जो सीजन सिस्टम है वो वहां के सीजन सिस्टम से डिफर करेगा। नेक्स्ट, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, हाँ स्टूडेंट्स, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। नेल्सन मंडेला यहाँ पे मेंशन करते हैं कि इट वॉज द एंड ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, टू होम ही कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। हमने कल देखा था कि नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मोर देन 300 ईयर्स द ब्रिटिशर्स हैव बीन रूलिंग आवर साउथ अफ्रीका, दे हैव बीन रूलिंग मोर देन 300 ईयर्स एट साउथ अफ्रीका, 300 साल से ज्यादा वो साउथ अफ्रीका के ऊपर शासन कर रहे हैं, और उस दौरान उन्होंने कौन से सिस्टम अडॉप्ट किए, हम कल बात कर रहे थे अपार्थेड की, कि उन्होंने वहां पर एक अपार्थेड पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसके द्वारा देर वाज ए विद द हेल्प ऑफ दैट अपार्थेड इट क्रिएटेड ए गैप बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया, मीन्स दे वर सेपरेटेड, दे कुड नॉट बी वन, दे कुड नॉट एंजॉय एनीथिंग टुगेदर, वो इकट्ठे होकर के कोई एंजॉय नहीं कर सकते थे। हमने कल पढ़ा था कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, चर्च एंड इवन पार्क्स भी उन सबके अलग अलग कर दिए गए थे। तो उस लाइफ को, वो 300 ईयर्स का जो लाइफ था, जिसके अंदर ब्लैक्स को सेकंड रेट सिटीजन समझा गया था, जिनको टॉर्चर किया गया था, उस पीरियड को नेल्सन मंडेला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर पुकार रहे हैं। वो जो 300 ईयर्स था जिसके अंदर ब्लैक के ऊपर अत्याचार किए गए थे, उसको नेल्सन मंडेला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर पुकार रहे हैं। उसके बाद है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। अब ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या आ गया? जस्ट अपोजिट टू इट, इसका बिल्कुल उल्टा। The glorious woman achievement means on 10th of May 1994, the whites government was completely replaced by blacks. It was completely democratic and non-racial government. So now the new government, democratic and non-racial government, वाज द ग्लोरियस वुमन अचीवमेंट। हम कल डिस्कस कर रहे थे ये सब चीजें कि जब उन्होंने अपार्थेड पॉलिसी अडॉप्ट की तो उनका अफ्रीकन लोगों ने विरोध किया, और अंत में परेशान होकर के ब्रिटिश, या ये कहिए व्हाइट्स को 1994 के अंदर वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाने पड़े, और उसके अंदर नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस,
got 252 seats out of 400. 201 से वहां पर मेजोरिटी बनती थी, लेकिन उन्होंने तो 252 सीटें प्राप्त की थी। इस तरह से जो वहां व्हाइट सुप्रीमेसी थी उसको रिप्लेस कर दिया गया डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट अब वहां पर एस्टेब्लिश हुई है उसको नेल्सन मंडेला ग्लोरियस वुमन अचीवमेंट पुकार रहे हैं। नेक्स्ट कॉरेज, कॉरेज क्या है और ब्रेव मैन क्या है, इस पर हमने डिस्कस किया था अभी अभी कि कॉरेज मीन्स, कॉरेज डजंट मीन अब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रंप ओवर इट। सिमिलरली हु इज ब्रेव मैन, ब्रेव मैन इज नॉट हु डजंट हैव फियर बट द पर्सन हु कन्क्वर्स That fear, brave man वो नहीं जिसके दिमाग, जिसके दिल में डर नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति होता है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। नेल्सन मंडेला की डेफिनेशन से oppressors free or not, अभी अभी लास्ट के अंदर जो नेल्सन मंडेला कह रहे थे वो कह रहे oppressors आजाद हैं या नहीं, No, they are no free. They are the prisoners of hatred. They are behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Nelson Mandela कह रहे हैं कि oppressor जो है, शोषण करने वाला व्यक्ति है, वो आजाद नहीं है, वो free नहीं है, बल्कि वो तो hatred, prejudice और narrow-mindedness का prisoner है। उसके तो दिलों और दिमाग में हमेशा ये चीजें भरी रहती है। वी कैन नॉट से दैट ही इज फ्री। इसीलिए नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड बोथ शुड बी लिबरेटेड, उन दोनों को ही आजाद किया जाना चाहिए। ऑप्रेस्ड जिसका शोषण हुआ है उसको किससे आजाद करना चाहिए, इस ऑप्रेसर से होना चाहिए। और ये ऑप्रेसर किससे आजाद होगा, फ्रॉम हेटर्ड प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। तो बच्चों इस तरह के ये क्वेश्चन थे जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इनके ऊपर जो फ्रेजिज और न्यू वर्ड्स आए हैं। एक आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस पर बनता है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उन्होंने 6 बड़े बड़े लीडर्स का नाम वहां पर दिया है, कहते हैं कि वो लीडर्स केवल पैदा ही तब हुए जब वहां पर डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन शोषण इतना ज्यादा हुआ कि उसकी वजह से क्रिएट्स हाइट ऑफ करेक्टर, एक बहुत बड़ा चरित्र पैदा हो गया वहां पर। और वो चरित्र कौन सा पैदा होगा, जिसने 6 वहां के बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर्स को पैदा कर दिया। कहते हैं कि क्या आप इससे एग्री हैं, यस डेफिनेटली वी आर एग्री विद इट। एक बार हम एक मिनट के लिए अगर हम नेल्सन मंडेला की कहानी को छोड़ भी दें तो टेक द स्टोरी ऑफ आवर ओन कंट्री, अपने देश की ले लीजिए। यहां पर भी वही वाइट शासन करते थे, तो उनके अत्याचारों से, उनके टॉर्चर्स से परेशान होकर के हमारे इंडिया के अंदर भी तो कितने बड़े बड़े लोग पैदा हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे पैदा हो गए थे, रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो गई थी, तात्या टोपे पैदा हो गए थे, राव तुलाराम पैदा हो गए थे, और न जाने कितने कितने नेता पैदा हुए थे। वो किसकी वजह से हुए थे, वो इनके टॉर्चर से ही परेशान होकर के हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये आपको नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपको अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के इतिहास के बारे में पता लगा और किस तरह से साउथ अफ्रीका ने आज़ादी प्राप्त की, आज़ादी के दौरान वहां कैसा समारोह हुआ, उसमें नेल्सन मंडेला की फीलिंग से क्या थी और नेल्सन मंडेला क्यों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की और वहां पर व्हाइट्स के द्वारा किस तरह का शोषण हुआ और किस तरह से नेल्सन मंडेला ने लोगों को विश्वास दिलाया कि अब ये सब के सब जो अत्याचार थे उन सब का अंत हो रहा है और एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल सरकार वहां पर एस्टेब्लिश हो रही है। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चैप्टर आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आप ध्यान रहे, आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, आप लोगों को अगर सब्सक्राइब नहीं हुए तो आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, लेट्स ओके, हैव ए गुड डे।